जो केस सीबीआई 40 सालों से सुलझा नहीं पाई, सिर्फ एक कोका कोला के कैन ने सिल्विया के मर्डर को बेनकाब कर दिया। अमेरिका के कोलोराडो में 23 अगस्त 1946 में जन्मी सिल्विया। बचपन से अच्छी परवरिश इसके साथ सिल्विया बड़ी हुई। 1981 आते आते सिल्विया सेल्फ इंडिपेंडेंट बन चुकी थी। सिल्विया बाई प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट थी और केक बनाना भी उसे अच्छा लगता था। आसपास के छोटे मोटे दुकानों में अपनी केक भी डिलीवरी करती थी। सिल्विया चेरी हिल्स विलेज में अपनी खुद की घर खरीद चुकी थी, मगर सुबह का ब्रेकफास्ट अपने पेरेंट्स के साथ ही करती। 4 अगस्त 1981 सुबह 8 बजे सिल्विया की डैड रोज की तरह ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने बेटी के घर पहुंची। घर का मेन डोर और बैक डोर दोनों ही खुला हुआ था। सिल्विया के डैड अंदर जाके देखे, सिल्विया बेडरूम के फर्श पर लहूलुहान पड़ी हुई है। सिल्विया के बॉडी पर कोई भी कपड़े नहीं था। उसके सर पे गोली मारी गई है और छाती पे नाइफ से बहुत बार स्टैब किया गया है और उसी के कपड़े से उसके हाथ और मुंह को बंद किया गया है। सिल्विया के डैड सिल्विया के हाथ और मुंह से कपड़े हटा के बॉडी को ढक देते हैं। सिल्विया मर चुकी थी। पुलिस को फोन करने के लिए जब वो जाते हैं, उनको दिखाई देता है टेलीफोन का तार पहले से कटा हुआ है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम वारदात पे पहुंचते ही उनको दिखाई देता है सिल्विया की बेडरूम के विंडो ग्लास को तोड़ने का कोशिश किया गया था, मगर वो हाथ से ज्यादा मजबूत होने के कारण से टूटी नहीं। फॉरेंसिक टीम बाथरूम में देखती है, विंडो ग्लास टूट के जमीन पे बिखरा हुआ है। सिल्विया के बेडरूम के पिलो, बेडशीट, डोर मैट सभी खून से लथपथ थे। फॉरेंसिक टीम सिल्विया के कपड़े, बेड के पास पड़ी हुई एक नाइफ, सब कुछ एविडेंस के तौर पे कलेक्ट करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पता चलता है दो कारणों की वजह से सिल्विया की जान गई थी। पहला, सिल्विया के सर पर जो गोली मारी गई थी उससे एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की वजह से सिल्विया की डेथ हुई थी। दूसरा, सिल्विया के चेस्ट पर जो स्टैब किया गया था उससे लंग्स में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो चुका था। सिल्विया के प्राइवेट पार्ट से मिली सीमेंट से पता चला उसे मारने से पहले किया गया था। सिल्विया के कपड़े, बेडशीट और पिलो कवर में भी पुलिस को सीमेंट सैंपल मिले। सिल्विया बचने की तो पूरी कोशिश करी। सिल्विया के नाखून टूटे हुए थे और कातिल का टिश्यू सैंपल भी सिल्विया के नाखून पे मिले। सिल्विया के नेक में भी स्ट्रैंगुलेशन के निशान मिले। टेलीफोन हिस्ट्री से पता लगा उस दिन रात 11 बजे सिल्विया अपने बहन के साथ बात कर रही थी। इससे ये तो क्लियर था उस समय टेलीफोन लाइन सही था। जो भी उसके घर पे घुसा था वो जरूर रात 11 बजे के बाद ही घुसा था। उस समय फॉरेंसिक साइंस इतनी एडवांस नहीं थी और सिल्विया के अलावा दूसरे डीएनए को पूरी तरीके से डेवलप करना पॉसिबल भी नहीं था। टाइम बीतते बीतते साल 2000 आ गया था। फॉरेंसिक साइंस भी तरक्की कर चुकी थी। फाइनली फॉरेन डीएनए को डेवलप किया जाता है और एफबीआई अपने क्रिमिनल डेटाबेस में चेक करती है, मगर एडीएनए किसी के साथ भी मैच नहीं हुआ। शायद एक क्राइम उस इंसान की पहली क्राइम थी। साल 2020 आ चुका था। यूनाइटेड डाटा कनेक्ट एक कंपनी था जो डीएनए सिक्वेंसिंग के ऊपर काम कर रहा था। पुलिस उनके पास पहुंची। फॉर्चुनेटली उनके डाटाबेस के एक परिवार में सिमिलर डीएनए पैटर्न देखा गया, मगर इस फैमिली के सभी मेंबर से सबसे ज्यादा जिसका डीएनए मैच हो रहा था वो था डेविड ड्वेन एंडरसन। 1981 में डेविड सिल्विया के घर के सिर्फ 20 किलोमीटर के रेडियस में ही रहता था। पुलिस एक मौका खोज रहे थे कैसे उनको डेविड का डीएनए मिले। एक दिन डेविड के घर से एक आदमी कचरा बाहर फेंक रहा था। पुलिस इस कचरे को उठा के फॉरेंसिक लैब में ले जाती है। उसी कचरे में उन्हें एक बैग मिला। उस बैग के अंदर कोका कोला का एक खाली कैन था। उस कैन के साथ एक बिल भी उन्हें मिला जो डेविड के नाम पे ही था। पुलिस उस कैन से मिले डीएनए से सिल्विया के पास मिली फॉरेन डीएनए से मैच कराती है और ये दो डीएनए 100% मैच कर जाता है। पुलिस 62 साल के डेविड को अरेस्ट करता है। पहले तो डेविड सिल्विया के बॉयफ्रेंड के ऊपर सारे दोष देता है और ये सही भी था क्योंकि सिल्विया और उसके बॉयफ्रेंड हमेशा ही आपस में झगड़ते थे। मगर क्राइम सीन से पुलिस को सिर्फ दो डीएनए ही मिला। एक तो खुद सिल्विया की थी और दूसरा डीएनए डेविड से 100% मैच कर गया था। सो दूसरा डीएनए डेविड का ही था। सारे सबूत भी डेविड की तरफ ही इशारा कर रहा था। मगर डेविड की उस दिन सिल्विया के घर घुसा था और उसे मारा था, इसका कोई मोटिव अभी तक पुलिस को नहीं मिला। कोर्ट डेविड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा सुनाती है। आखिरकार 40 साल बाद सिल्विया को इंसाफ मिला था। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसा लगा बताइए हमें कॉमेंट्स में। अगर एक कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इनह्यूमन्स को, और मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में और एक नई इनह्यूमन्स के साथ।